Daily Live, a platform to sharing your thoughts. जवाहर कला केंद्र की अलंकार आर्ट गैलरी में जयपुर के मशहूर और प्रतिष्ठित कलाकारों ने अपनी कलाकृतियां प्रदर्शित की हैं। आइए देखते हैं क्या खासियत है इन कलाकृतियों की। मीनाक्षी जी हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं। मैडम, आपने भी यहाँ पर ये आपकी जो कलाकृतियाँ हैं प्रदर्शित की हैं, क्या खास बात है इसकी और इस कला की, किस तरह के क्या कोई संदेश आप देना चाहते हैं इसके माध्यम से? हाँ जी, एक्चुअली मैं बियॉन्ड द लिमिट्स नाम से एक नई सीरीज़ बना रही हूँ, जो कि फाइव एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स, जो यूनिवर्स के 5 तत्व हैं उनके ऊपर बेस्ड है ये मेरी ये नई सीरीज़। तो 5 तत्व जो आप जानते हैं कि आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु होता है, उसमें से ये जो तत्व, ये जो 2 पेंटिंग अभी मैंने यहाँ एग्जिबिट किए हैं, वो वायु को डिपिक्ट करती हैं और वायु में कोई कलर नहीं होता है। तो उसको दर्शाने के लिए मैंने जो कलर्स यहाँ यूज़ किए हैं वो पतंगों के हैं और बटरफ्लाई को, ये 2-3 एलिमेंट मैंने ऐसे लिए हैं जो कि हवा में ही तैर सकते हैं और हवा के थ्रू ही चलते हैं, तो उनको दिखाने के लिए मैंने ये दोनों एलिमेंट यूज़ किए हैं। और संदेश इसके माध्यम से मैं ये देना चाहती हूँ कि पर्यावरण के ऊपर बेस्ड है, चूँकि ये पूरी एलिमेंट्स जो है हमारे यूनिवर्स के, वो पर्यावरण अगर शुद्ध रहेगा, साफ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो हमारे को उतनी एनर्जी वापस देता है ये पर्यावरण। इस प्रदर्शनी में एक फिल्म भी दिखाई जा रही है जिसमें अजंता एलोरा की गुफाओं का चित्रण किया गया है। क्या है ये फिल्म, क्या खासियत है इसकी? इस पर बातचीत करने के लिए सुखनिधे हमारे साथ हैं, जिन्होंने ये फिल्म बनाई है। क्या विशेषता है इस फिल्म की? सुखनिधे फिल्म्स बेसिकली आर्ट, कल्चर और हेरिटेज के लिए काम करती है, और इस जो एग्जीबिशन लगी इसको देखते हुए हमने ये विनय जो मतलब जो ऑर्गेनाइज़र है उन्होंने ये डिसाइड करा कि एक ऐसी प्रदर्शनी, एक ऐसी फिल्म चलाई जाए जो कि आर्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो इस फिल्म को हमने बेसिकली अजंता एलोरा की एक बहुत डिटेल में हमने डॉक्यूमेंट कराया उसको, उसकी सारी एक एक स्कल्पचर की, एक एक पेंटिंग की सारी डिटेल्स इसके अंदर हैं। तो वो आम जनता जिससे उससे कनेक्ट हो पाए, पुराने अपना जो हेरिटेज उसको जान पाए, ये सब जानकारी हमने इसके अंदर देने की कोशिश करी है। एक एक को हमने बताया लोगों को, पुरानी कथाओं से जोड़ा, स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में बताया, ट्रैवलिंग के थ्रू उसको दिखाया। तो मतलब कई कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर, इट इज़ अ ट्रैवल लॉग, इट इज़ अ स्टोरी टेलिंग, सब मिला के मिला जुला एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, क्योंकि हेरिटेज इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है कि आम आदमी उससे कनेक्ट हो नहीं पाता, लेकिन इस फिल्म के माध्यम से हमने एक कोशिश करी है कि एक आम आदमी भी एक हेरिटेज से अपने कनेक्टिविटी के गर्व महसूस करे कि मैं उस देश का वासी हूँ जहाँ हेरिटेज इतना रिच है। कला तब निखरती है जब उसके पार्क ही उसे सराहें, और इसके लिए यहाँ इस प्रदर्शनी में आए हैं विनोद भारद्वाज, जो आर्ट राइटर हैं। इनसे बात करेंगे सर, किस तरह की ये प्रदर्शनी है और आपके जो पैमाने हैं उन पर कितना खरा उतरती है? देखिए, ऐसा है कि चूँकि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ समकालीन आधुनिकता भी है और परंपरा भी है, तो बहुत से कलाकार तो ऐसे हैं जो परंपरा से लेते हैं, उसको एक नया मुहावरा देते हैं, लेकिन कुछ लोग परंपरा में ही रहते हैं। तो यहाँ इस एग्जीबिशन में मेरा ख्याल है कि सभी तरह के काम हैं और कुछ अच्छे काम हैं, और ये प्रदर्शनी बताती है कि राजस्थान सक्रिय है और उसमें कला की दुनिया में नए कोण खोज रहा है। युवाओं के लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होता है कला में, क्योंकि इसमें रोजगार का एक बड़ा मसला रहता है, तो वो उसके लिए क्या कहेंगे थोड़ा सा आप, अगर जो युवा वर्ग इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं? कला बाजार तो एक बहुत बड़ी चीज़ है
और पहले जब कलाकार पढ़ते थे कला तो ये नहीं सोचते थे कि हम मार्केट में कैसे रहेंगे या हमें पेशा क्या है, क्योंकि वो पैशन होती थी। आज लेकिन कला बाजार है, पर फिर भी जयपुर के बारे में खासियत ये है कि मुंबई या दिल्ली की तरह वहाँ कला बाजार नहीं है, लेकिन यहाँ के कलाकार भागते नहीं हैं यहाँ से, वो यहाँ रह के काम करते हैं, क्योंकि माहौल यहाँ का ऐसा है जो विदेशियों को भी आकर्षित करता है और वो भारतीय कला में दिलचस्पी दिखाते हैं। बल्कि कई बड़े कलाकार तो राजस्थान में आकर यहाँ के लोकल परंपरा वाले कामों से उनसे डायलॉग करते हैं। लोक रंग की धूम के बीच रंग लोक में सजा कला का संसार कला प्रेमियों को खूब पसंद आ रहा है। कैमरामैन मोहन सिंह के साथ बीके शर्मा, सिटी लाइव जयपुर। सिटी लाइव, अ प्लेटफॉर्म टू शेयरिंग योर थॉट्स।